अतुल कहता है, मैं मूर्ख नहीं तो निश्चय ही तुम मूर्ख हो, आचार्य ने क्या कहा है। निक्षिप कहता है, उन्होंने कहा है कि वे आपके साथ इस सारे ग्राम प्रदेश में घूमना चाहते हैं। मातुल के मुख पर गर्व की रेखाएं प्रकट होती हैं। जिस प्रदेश ने कालिदास की कविता को जन्म दिया है, मातुल के मुख की रेखाएं वितृष्णा की रेखाओं में बदल जाती हैं। मातुल कहता है, कालिदास की कविता, फिर टहलने लगता है। न जाने इतने बड़े आचार्य को इसकी कविता में क्या विशेषता दिखाई देती है। रुककर अंबिका की ओर देखता है। इस व्यक्त को सामान्य लोक व्यवहार तक का तो ज्ञान नहीं, और तुम लोकनीति की बात कहती हो। आप एक हरण शावक को गोदी में लिए घर की ओर आ रहे थे, सौभाग्यवश मैंने बाहर ही देख लिया। मैंने प्रार्थना की कि कवि कुलगुरु यह समय इस रूप में घर जाने का नहीं है। उज्जैनी से एक बहुत बड़े आचार्य आए हैं, आप सुनते ही लौट पड़े जैसे रास्ते में सांप देख लिया हो। मल्लिका अंबिका के पास आसन पर बैठ जाती है। मातुल फिर टहलने लगता है। अंबिका कहती है, मल्लिका मातुल के लिए अंदर से आसन ला दो। मल्लिका उठने लगती है, परंतु मातुल उसे रोक देता है। मातुल कहता है, नहीं, मुझे आसन नहीं चाहिए, आचार्य मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। निक्षेप अंबिका की ओर देखकर मुस्कुराता है। मातुल कोने तर जाकर लौटता है। मैंने कहा, आचार्य कविवर्य, आचार्य आपको साथ उज्जैनी ले जाने के लिए आए हैं, राज्य की ओर से आपका सम्मान होगा। रुक जाता है। सुनकर रुके, रुक कर जलते अंगारे की सी दृष्टि से मुझे देखा। मैं राजकीय मुद्राओं से क्रीत होने के लिए नहीं हूँ, ऐसे कहा जैसे राजकीय मुद्राएं आपके ब्रह में खुली जा रही हूँ, और चल दिए। मेरे लिए धर्म संकट खड़ा हो गया है कि अनुनय करता हुआ आपके पीछे 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 जाऊँ या अभ्यागतों को देखूँ। अब इस निक्षेप से आचार्य के पास बैठने को कहकर आया था, और यह धुरीहीन चक्र की तरह मेरे पीछे पीछे चला आया है। निक्षेप कहता है, किंतु मातुल मैं तो समाचार देने आया था कि मातुल कहता है, और मैं समाचार देने के लिए तुमसे धन्यवाद कहता हूँ, बहुत अच्छा किया। अभ्यागत वहाँ बैठे हैं और आप समाचार देने यहाँ चले आए हैं। अब इतना कीजिए कि वे कवि कुल शिरोमणि जहाँ भी हों उन्हें ढूंढ कर ले आइए। बाहर की ओर चल देता है। मेरा कर्तव्य कहता है जैसे भी हो उसे आचार्य के सामने प्रस्तुत करूं, और मन कहता है कि उसे जहां देखूं वहीं चोटी से पकड़कर। इतना कहकर मातुल चला जाता है। निक्षेप कहता है, मातुल का तीसरा नेत्र हर समय खुला रहता है। मल्लिका कहती है, परंतु कालिदास इस समय है कहाँ। निक्षेप कहता है, कालिदास इस समय जगदम्बा के मंदिर में है। मल्लिका कहती है, आपने उन्हें देखा है। निक्षेप कहता है, देखा है। मल्लिका कहती है, परंतु आपने मातुल से नहीं कहा। निक्षेप कहता है, मैं नहीं चाहता था कि मातुल इस समय वहां जाए। मल्लिका कहती है, क्यों, क्या आप भी नहीं चाहते कि कालिदास। निक्षेप कहता है, मैं चाहता हूँ कि कालिदास उज्जैनी अवश्य जाए, इसलिए मैंने मातुल का इस समय उनके पास जाना उचित नहीं समझा। मातुल को अपने मुँह के शब्द सुनने में ऐसा रस प्राप्त होता है कि वे बोलते ही जाते हैं, परिस्थिति को समझना नहीं चाहते। कालिदास हट कर रहे हैं कि जब तक उज्जैनी से आए अतिथि लौट नहीं जाते, वे जगदम्बा के मंदिर में ही रहेंगे, घर नहीं जाएंगे। अंबिका कहती है, कैसी बीच क्षणता है। निक्षिप कहता है, बीच क्षणता। अंबिका कहती है, बीच क्षणता ही तो है। निक्षिप, इसमें बीच क्षणता क्या है अंबिका। अंबिका तीखी दृष्टि से निक्षिप की ओर देखती है। अंबिका कहती है, राज्य कवि का सम्मान करना चाहता है, कवि सम्मान के प्रति उदासीन, जगदम्बा के मंदिर में साधना निरत हैं, राज्य के प्रतिनिधि मंदिर में आकर कवि की अभ्यर्थना करते हैं। कवि धीरे धीरे आँखें खोलता है। इतना बड़ा नाटक करना विच क्षणता नहीं है।